हेलो साथियों, मैं हूँ अमरिंदर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है आज मैकेनिकल और सिविल थर्ड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और सिविल का जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने बताया था कि दोनों सब्जेक्ट में जो है मैक्सिमम चैप्टर्स कॉमन है, तो इस नाते हम लोग पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हमारा डिफिनीशन कहाँ से आया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स डिफिनीशन कहाँ से आया। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ने से पहले हमको पहले जानना जरूरी है मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो मैकेनिक्स की डिफिनेशन आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, सेम वही परिभाषा यहाँ पर भी रहेगी। मैकेनिक्स की हिंदी क्या होती है? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी की परिभाषा क्या होती है, हम लोग पहले यांत्रिकी की परिभाषा जानते हैं। तो डिफिनीशन क्या होती है मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस इन विच स्टडीज डील विथ फोर्सेज and its effect on physical body। यानी कि यांत्रिकी की परिभाषा क्या होगी, हम लोग हिंदी में समझते हैं। मैकेनिक्स की हिंदी होती है यांत्रिकी। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि यांत्रिकी क्या विज्ञान की एक शाखा है। इन विच मतलब जिसके अंतर्गत, स्टडी डील विथ अध्ययन किया जाता है फोर्सेज यानी कि बलों का, एंड इट्स इफेक्ट और इसके प्रभाव का ऑन फिजिकल बॉडी यानी भौतिक पिंडों के ऊपर। तो हिंदी में डिफिनेशन क्या होगी कि यांत्रिकी, हम हिंदी में लिख नहीं रहे हैं, आप लोग सुन करके लिख सकते हैं कि यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है फिजिकल बॉडी, तो हम लोग समझते हैं फिजिकल बॉडी क्या होता है। फिजिकल बॉडी को हम लोग बोलते हैं भौतिक पिंड। सब कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया, इस नाते हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, हम समझा के निकलते चले जाएंगे। तो फिजिकल बॉडी यानी भौतिक पिंड, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, दैट बॉडी विच कैन बी टच, यानी कि ऐसा पिंड जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल बॉडी बोलते हैं। अब फिजिकल बॉडी हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है सॉलिड जिसे हम लोग हिंदी में ठोस कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लूड जिसे हम लोग तरल कहते हैं। जब हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्लूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड क्या होता है, फ्लूड क्या होता है, दैट बॉडी विच कैन फ्लो एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि ऐसा पिंड जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, दैट बॉडी विच कैन नॉट फ्लो एट नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसे बॉडी जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं उसे ठोस कहते हैं, और दैट बॉडी विच कैन फ्लो एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि ऐसे पिंड जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं उसे हम लोग तरल कहते हैं। इसमें फ्लूड में हमारे लिक्विड और गैसेज आते हैं, यानी कि द्रव और गैस आते हैं। द्रव और गैस जो होते हैं वो नॉर्मल यानी कि सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं, और ठोस जो है हमारा जहाँ पर भी रख देंगे, जैसे मार्कर है यहाँ पर हम रख देंगे तो अपने आप अपने पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, यानी कि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, तो हमारा ठोस होगा और ये हमारा क्या होगा, तरल होगा। हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ऐसा पिंड जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखता उसे ठोस कहते हैं, और ऐसा पिंड जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है रिजिड बॉडी और दूसरा हमारा होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। दूसरा क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी को क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड, और डिफॉर्मेबल बॉडी को बोलते हैं विरूपित पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरूपित पिंड। तो दृढ़ बॉडी क्या होता है कि दैट बॉडी हूज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड, यानी कि ऐसा पिंड जिस पर कोई लोड लगाने पर या एक्सटर्नल लोड लगाने पर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है उस पिंड को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, और ऐसा पिंड जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। हमने बताया था फर्स्ट ईयर में बताया था कि कैसे हम लोग कहेंगे कि कोई भी बॉडी आपका रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए हम कोई बॉडी लेते हैं, मान लीजिए कोई लोहे का राड है और इस पर हम एक टेंसाइल फोर्स लगा करके अप्लाई करके इसको हम लोग खींच रहे हैं। तो अगर हम लोग मैनुअली हाथ से खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग इस राड की लंबाई को बढ़ा नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में इस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए हम लोग मैनुअली लोड नहीं लगा करके किसी मशीन से लोड लगाएं इस पर, अगर किसी मशीन से हम इस बॉडी को खींचेंगे तो देखेंगे इस बॉडी में इलांगेशन होने लगेगा, यानी कि इस बॉडी की लंबाई बढ़ने लगेगी। तो उस केस में इस बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी को, सिंगल बॉडी को केवल हम लोग देख करके यह नहीं बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो उसको बोलने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम उस पर कितना लोड लगा रहे हैं। तो कितना लोड लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर है, हम इसको खींच रहे हैं, लंबाई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खींचते खींचते अगर बल का मान बढ़ाते जाएं एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस बॉडी का लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पोजीशन आएगा जिस पर इस बॉडी का लंबाई बढ़ना स्टार्ट होता है, उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पोजीशन। और उस दौरान जो लोड लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फोर्स बोलते हैं, या क्रिटिकल लोड बोल सकते हैं, क्रिटिकल फोर्स। हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक भार, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रांतिक भार बोलते हैं। तो क्रांतिक भार क्या होता है, ऐसा वह मिनिमम लोड जो कि जिससे अधिक, मतलब जिस पर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी कि वह न्यूनतम भार जिस पर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी कह सकते हैं वह न्यूनतम भार जिस पर किसी पिंड का शेप और साइज, यानी कि आकृति और आकार परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू क्रिटिकल फोर्स से कम है तो वो बॉडी जो है रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। और अगर उस बॉडी पर लगने वाले लोड का मान अगर क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा है तो वो बॉडी हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। यानी कि केवल किसी बॉडी को देख करके हम लोग यह नहीं कह सकते कि वह बॉडी हमारा रिजिड बॉडी होगा कि डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि संसार में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन हम लोग पत्थर के टुकड़े या क्वार्टज को हम लोग रिजिड बॉडी बोल देते हैं। लेकिन वहाँ पे वो डिफिनेशन इनकम्प्लीट थी। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही, क्रिटिकल फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं, रिजिड बॉडी को, डिफॉर्मेबल बॉडी को। अगर किसी बॉडी पर हम लोड जो लगा रहे हैं उसके क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू से कम है तो बॉडी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अगर उस बॉडी पर लगने वाला लोड हमारा उसके क्रिटिकल फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारा बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग बात करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी भी दो टाइप का होता है। एक होता है इलास्टिक बॉडी और दूसरा होता है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड, क्या बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड बोलते हैं, प्रत्यास्थ पिंड बोलते हैं। और हम लोग इसको बोलते हैं प्लास्टिक पिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लास्टिक पिंड बोलते हैं। तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है, ऐसा बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग लोड हटा लेते हैं बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, यानी कि पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही लोड हटाते हैं बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। लेकिन प्लास्टिक बॉडी का भी एक तभी प्लास्टिक बॉडी होगा जब हम लोग फोर्स जो लगाएंगे वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगाएंगे, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो बॉडी हमारा इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो आगे चैप्टर में हम लोग प्लास्टिसिटी को भी पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी को भी पढ़ेंगे, और वहाँ पर अच्छे से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इलास्टिक कब होगा और प्लास्टिक कब होगा। तो जनरली हम लोग जो सोम में पढ़ेंगे वो लोग इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, या मॉस में या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। और जब हम लोग प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि गांव में सिंपल आप लोहार के यहाँ अगर गए होंगे, कोई औजार बनाए होंगे तो क्या करता है उसको लोहार, क्या करता है उसको गर्म करके उसको हथौड़े से पीट पीट करके उसके शेप और साइज में परिवर्तित करता है। तो जब उसका वो किसी जो शेप और साइज में परिवर्तन कर लेता है तो अपने आप वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के नहीं आ पाता है, तो हमारा वो होता है प्लास्टिक बॉडी। जनरली वर्कशॉप में या जो हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक बॉडी का यूज करते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे यहां पे इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ही हमारा यहाँ पे फिजिकल बॉडी का मतलब क्लासिफिकेशन हुआ है वैसे ही हमारा क्लासिफिकेशन होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी आपका सब्जेक्ट ही था। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स,
अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, या इसी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं, इसी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, ये जो इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं मतलब कि जब तक हमको फोर्स के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम लोग किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते जिसपे हमारे बल लगते हों। तो बिना अप्लाइड मैकेनिक्स के नॉलेज के या बिना फोर्स के नॉलेज के या अप्लाइड मैकेनिक्स के नॉलेज के हम लोग किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते जिसपे हमारा फोर्स लगता हो। सपोज कीजिए हमको कोई सिंपल सा बेंच बनवाना है, मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ाने के लिए हमको सिंपल सा बेंच बनवाना, तो इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि कोई भी प्रोडक्शन हो कम लागत में हो और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे। मान लीजिए हमको बेंच बनवाना है और बेंच का, सपोज कीजिए बेंच का शेप और साइज, ये मान लीजिए कोई बेंच है आपका जिसपे क्लास में आप लोग बैठते हैं, इस पे आप लोग क्लास में बैठते हैं, मान लीजिए कोई बेंच है, ये बेंच है ऐसे, ये मान लीजिए बेंच है, ऐसे कुछ होगा, आप लोग छोटे क्लासों में इसी पे बैठ के पढ़ते रहे होंगे ऐसे। अब मान लीजिए ये लकड़ी का बना, किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी का बना होगा तो इसके पैर वगैरह की कुछ साइज होती है ऐसे, इसका कुछ मतलब मोटाई वगैरह होगा, इसका बेंच का मतलब इसका जो पैर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे इसका कुछ लंबाई चौड़ाई जो ये हम बनाएंगे, इसका पैर, ये पैर जो हम लोग बनाएंगे इसका क्या होगा, कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा। अगर ये बेंच हम लोहे का बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जितना हमारा ये डायमेंशन लकड़ी वाले में वो डायमेंशन नहीं रहता, पतला रहता, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि जो लोहे का स्ट्रेंथ होता है या जो स्टील का स्ट्रेंथ होता है वो लकड़ी की तुलना में ज़्यादा होता है। अब सपोज कीजिए हमको लोहे का अगर बेंच बनाना है, अगर हम लकड़ी वाले शेप और साइज का बना दें तो हमारा नुकसान क्या होगा, पहली चीज़ आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो आपका कास्ट भी ज़्यादा आ जाएगा और कास्ट ज़्यादा आएगा, और दूसरी चीज़ ये मटेरियल की हैंडलिंग, मान लीजिए आपने कहीं पे ऑर्डर दिया बेंच बनाने के लिए और वहाँ पे बेंच बन गया और आपको कोचिंग सेंटर तक या जहाँ विद्यालय वहाँ पे बेंच को लाना है, तो अगर मान लीजिए इसको किसी गाड़ी पे लदवाएंगे तो वहाँ पे लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये लोहे का सेम डायमेंशन का होगा तो एक बेंच का वेट करीब एक कुंटल डेढ़ कुंटल का हो सकता है, लकड़ी का आपका 10-15 किलो का रहेगा, 20 किलो का रहेगा, तो उसकी तुलना में देखेंगे वहाँ पे आपका लेबर कास्ट बढ़ेगा और जिस गाड़ी से लाएंगे उसका भी कास्ट बढ़ जाएगा और फिर जहाँ पे उतारना रहेगा वहाँ पे भी कास्ट बढ़ जाएगा। और सपोज कीजिए कि इस बेंच को ला करके क्लासरूम आपका 2-3 तल्ले ऊपर है तो उसको चढ़ाने में भी खर्चा ज़्यादा आएगा, मान लीजिए बेंच लग गया क्लास में पढ़ाई हो रही है उसके बाद आपको पता चलेगा कि सपोज कीजिए क्लासरूम गंदा हो गया, झाड़ू लगाने वाला आया या झाड़ू लगाने वाली कोई आई, तो वहाँ पे झाड़ू लगाने में जनरली लकड़ी का बेंच एक सिंगल पर्सन खिसका करके झाड़ू लगा सकता है, लोहे का बेंच होगा पता चलेगा दो लोग इसको पकड़ करके इसका पोजीशन जगह चेंज कर रहे हैं तब जा करके झाड़ू लग पा रहा है। यानी कि अगर हमको फोर्स के बारे में नॉलेज नहीं रहे या मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज नहीं रहे तो हम ऐसी किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसपे हमारे फोर्स लगते हों। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना नॉलेज के हम लोग किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते जिसपे हमारे फोर्स लगते हों। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो ये हमारी क्या है, बेंच बनाना हमारी एक समस्या है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ज्ञान से हम लोग इस समस्या का समाधान कर पाते हैं। भले जो बड़ाई बनाता है पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपसे बेहतर तरीके से जानता है कि किस लकड़ी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लकड़ियों में बहुत टाइप की लकड़ी होती, किस लकड़ी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कौन नमी को झेल पाएगा, कौन बरसात में जल्दी सड़ने लगेगा, किसी में दीमक ज़्यादा लग जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है आपकी तुलना में। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन क्या होगी, तो अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण करना हो, घर बनाना हो, अगर हमको नॉलेज नहीं है अप्लाइड मैकेनिक्स का, हम लोग दीवार बहुत पतला पतला बना ले और जो छत है हम बहुत मोटा बना दें तो पता चलेगा दीवार इतना पतला हो जाएगा कि इतना कि वो छत का लोड ही नहीं सहन कर पाएगा और घर आपका क्या होगा, गिर जाएगा, या हल्का सा घर वाइब्रेट होगा, हल्का सा भूकंप का झटका आएगा तो घर आपका गिर जाएगा। तो इस नाते किसी भी वस्तु का निर्माण करने से पहले हमको अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, ऐसी वस्तुएँ जिस पर हमारे बल लगते हैं।